Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. To आज मैं त्रिपुरा से आसन जा रहा हूँ तो बाई बस। तो अभी तो मैं पसतल के बोल के एक जगह पे, तो इधर से जाना पड़ेगा और यहाँ से और थोड़ा एक काम है, वहाँ पर जाके डायरेक्टली जाते हैं। तो इधर से जाना पड़ेगा, वहाँ पर कोई एक मुझे रुका है, उसके साथ हम जाएगा। तो जाके बाकी आप लोगों को बाद में दिखा रहे हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच गया ISBT धर्मनगर। तो ये देख सकते हैं आप लोग ISBT, और क्या क्या रास्ता से आया, मतलब क्या ही बोलो गाइस, इतना खतरनाक रास्ता है ना, और पहाड़ कट कट के रास्ता बढ़ा रहा था। तो फाइनली ISBT पहुंच ही गया। तो अभी देखना पड़ेगा क्या बस है कि नहीं गुवाहाटी के लिए, तो उसके बाद ही पता चलेगा कब मिलेगा बस मुझे। तो फिलहाल अभी इधर टिकट है, तो अभी टिकट का काम में काउंटर में है, टिकट खरीदने के लिए। तो ये देख सकते हैं टिकट का काउंटर, और ये है ISBT। देखते हैं टिकट मिलते हैं कि नहीं, काउंटर पूछ रहे कि टिकट है कि नहीं। टिकट है कि नहीं वो पूछ रहे, टिकट मिलने से अच्छा होगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा टिकट। चले क्या करते हैं। फाइनली गाइस टिकट मिल गया, लेकिन बहुत पीछे वाला सीट में सीट मिला है, और ऐसे क्या क्या है कि जो गाड़ी है अभी तक पहुँचा ही नहीं है, तो कहीं रास्ते में फंस ही गया है उधर, मतलब बहुत ट्रैफिक होता है और रास्ता लैंडस्लाइडिंग वगैरह वगैरह होता रहता है, तो इसीलिए वो गाड़ी अभी तक पहुँचा नहीं है। तो 4 बजे का गाड़ी 8 बज जाएगा, तो जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। और ऐसे हम नहीं लेता था कि टिकट, लेकिन जो गाड़ी है 4 बजे का गाड़ी 8 बजे हो गया ना, और 6 बजे का गाड़ी 12 बजे 10 बजे हो जाएगा ना, इसीलिए हम टिकट ले लिया लास्ट सीट होने से भी। तो अभी चलेगा देखते हैं कि अभी इतना टाइम रुकना पड़ेगा, 4-5 घंटा रखना पड़ेगा बस। अभी ऐसे ATM ढूंढने के लिए निकला यहाँ पर, तो किधर है ATM देखते हैं। इधर भी हम तो जब आया नहीं है, पहली बार आया था, कल ही पहुँच गया था, और अभी गुवाहाटी के लिए और रिटर्न हो रहा है, और देखते हैं किधर ATM है किधर नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो देखते हैं इधर आगे तक देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, और मिलने से अच्छा होगा, और नहीं मिलने से तो इससे गूगल पे या फोन पे से काम चलाना पड़ेगा। कोई की जगह में फ़ोन पे और गूगल पे नहीं होते ना, तो इसलिए कैश रखने के लिए बहुत ज़रूरत होता है, तो इसलिए ATM ढूंढ रहा है। कैश पैसा निकल लिया ATM से, और अभी जा रहा हूँ ISBT की तरफ, और कुछ खाना पड़ेगा खा के ऊपर रेस्ट करते हैं। अभी तो नहीं आएगा गाड़ी, तो गाड़ी आने के बाद देखते हैं क्या पड़ता है। और अभी मैं जाना पड़ेगा इस तरफ, तो लेफ्ट लेना पड़ेगा, और इधर किधर जाते हैं हमको नहीं मालूम। और ऊपर कनक लता जी बैठा हुआ है,
मेरा जो टिकट नंबर है वो है ML5Q1119 है, और जो कल मैं बस में आया था वो टिकट था ML5Q1120 था। तो आज का एक नंबर घट गया, और कल जो गाड़ी था वो गाड़ी नहीं है, दूसरा गाड़ी मेरे को ना पड़ेगा। तो कब आते हैं, मैं बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा गाड़ी के लिए। अभी तो वो लोग जो बोला है वो बोला है 7-8 बज जाएगा, उसके बाद ही गाड़ी आएगा, और उस समय तक हम लोग को रुकना पड़ेगा उधर ही। तो इतना गर्मी में क्या करूँ गाइस, जाना तो पड़ेगा गुवाहाटी। और ये देखिए आप लोग गाइस, ये धर्मनगर टाउन है, तो उधर SBT, और इस तरफ मेन टाउन होगा शायद, हमको भी ज़्यादा अच्छे से मालूम नहीं है। और एक ठंडा लेना पड़ेगा, उसके बाद एक केक लेकर लेना पड़ेगा, एक खाना पड़ेगा। तो अभी गैस इधर अभी के लिए बाय, और नेक्स्ट जो करेगा वो दिखेगा आप लोग को। तो अभी गैस एक अमूल को लिया है, ये देख सकते हैं, इसको खा के थोड़ा टाइम रुकते हैं, अमूल कुल को खा के थोड़ा टाइम रुकते हैं। तो सियर्स जो नहीं खाते हैं आप लोग देखते रहो। इधर में अमूल कुल 25 रुपये लेते हैं, हमारे पास में तो 20 रुपये में मिलते हैं, देख सकते हैं गाइस। ये नाइट व्यू है थर्मोनगर का, देख सकते हैं। ये अभी तक बस पास है नहीं है, क्या करो गाइस, अभी तक बस पास है नहीं है। तो ये देखिए गाइस आप लोग थर्मोनगर के व्यू, ये चार बजे से रुका हो इधर ही। और ये देखिए शाम का 4 बजे से, अभी रात का 9 बज गया, अभी तो गाड़ी पहुँचा नहीं है गाइस, क्या करो, बहुत बोरिंग फील हो रहा है। और ये लोग, ये देखिए रात का व्यू, अभी एक एक करके बस आया है, 2 बस आ चुके हैं, लेकिन मेरा बस अभी तक आया नहीं है। ये देख सकते हैं इधर एक बस है, और उधर एक गया है, और इधर मैं बैठा हूँ। इसे मेरा वाला बस कब आएगा पता नहीं है, और मेरा तो पीछे वाला सीधे है, 9 बज चुका है, 9:30। फाइनली गाइस मेरा जो बस वो भी आ गया, 9:30 बजे पहुँच गया, अभी उधर जाएगा, उसके बाद इधर लाइन होगा, तो उस टाइम सड़ना पड़ेगा बस में। फाइनली गाइस बस आ ही गया हमारा, ये बस इसे इस बस में जाएगा, और देख सकते हैं लोग इधर देख सकते हैं बैग चेकिंग हो रहा है, अभी में कंडक्टर चेक कर रहे हैं। फाइनली गाइस बस का सीट मिल ही गया, और हम बैठा है, रात का 1 बजे अमूल कूल पी रहा हूँ। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर पूरा जाम होकर रखा है, रास्ता ब्लॉक, आगे साइड रास्ता ब्लॉक होकर रखा है, तो इसीलिए गाड़ी वगैरह सब भरी है। और ये नज़ारा देखिए, करीबन 3 बजे से अभी 10:30 बज गए, अभी तक गाड़ी आया नहीं है, इधर 2 गाड़ी पलटी हुआ है बोला सुना। और अभी करीबन लगभग
140 किलोमीटर जाना है कोट की तक। बहुत टाइम ब्रेक चुका रुक चुका है बहुत। और इधर भी लुक है सब, इधर रुका है और ये वापस होके आ गया। तो इधर देखते हैं कुछ खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या, मिलने से खा लेगा। भूख भी लगा है और ये देखिए गाड़ी, ये सब गाड़ी इधर है। कब पहुंचेगा गुवाहाटी कोई पता नहीं। इधर दो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है इसीलिए उधर रास्ता ब्लॉक हो रहा था, ये देख सकते हैं आप लोग आगे है वो दो गाड़ी इसीलिए जाम हो के रखा था। ये दिखते हैं आप लोग दो गाड़ी के वजह से हम लोग फंसा हुआ है और इधर रास्ते का काम चल रहा है, जब ठीक होगा तभी हम लोग जा सकते हैं। कैसे उठाएगा वो तो पता नहीं है। क्या नहीं होगा पता नहीं है। और इधर देख सकते हैं अभी थोड़ा मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गया, वैसे धुआ नहीं था। और इधर देखो आप लोग इधर ही धो था, बहुत ठंड बने हैं तो वो ठीक ही हो गया। और अभी ठीक होने से हम लोग जाएगा यहाँ से, कितना टाइम लगेगा गुवाहाटी पहुँचने के लिए अब कोई पता नहीं है। आफ्टर 8 आवर्स बस फाइनली चल चुका है। अभी तक ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ है, 3:30 बज चुका है लेकिन ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ है। आवर हो चुका है अभी तक इधर फंसा हुआ। और इधर से बोला है कि 200-250 किलोमीटर है गुवाहाटी तक, सुबह से कुछ भी नहीं गया। फाइनली गाइस रात के 12 बजे एक होटल मिला है और यहाँ पर ही रुका दिया गाड़ी खाना खाने के लिए। तो गाइस अभी खाना खाते हैं और कल सुबह आप लोगों के साथ मिलते हैं। फाइनली गाइस गुवाहाटी पहुँच गया 2 दिन के बाद
इतना ट्रैफिक रहना बस में, और अभी जो बनाया नहीं है और सुबह भी बनाया नहीं है, तो इसको क्या है, वो दो दिन से अच्छे से नींद नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए इधर अच्छा सीट मिला था सो के आया। और अभी कोस गया गुवाहाटी और मुझे अभी लेने के लिए आ रहे हैं बंदा, इसलिए बस रूम पे जाके फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। और बहुत ये हुआ, तकलीफ हुआ था तो वहाँ पर वो कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, दुकान वगैरह भी नहीं मिल रहा था। और वहाँ पर लास्ट में एक सीन हुआ कि जो 5 रुपया का बिस्कुट था वो 10 रुपया में बिक रहा था, और जो 10 रुपया का पानी था वो 30 रुपीस। वैसे करके मैनेज करके खाना खाया है, और 2 दिन से तो खाना ही नहीं खाया। और कल रात 12 दस में खाया है खाना, और अभी सुबह पहुंच गया इधर 5 बजे। हाँ बस बहुत मुश्किल हुआ है आना जाना, तो वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर दे गाइस।